गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ कंप्यूटर। टुडे वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 4, एडवांस्ड जिम टूल्स पार्ट 4। टुडेज टॉपिक्स आर यूजिंग ब्रशेस, टू यूज अ ब्रश, टू एडिट अ ब्रश, वर्किंग विद लेयर्स। लेट्स स्टार्ट। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हाउ टू यूज अ ब्रश। ऑन द इमेज विंडो क्लिक द विंडोज मेन्यू, point to dockable dialogs, click the brushes option, the brushes dialog appears. On the image window, click the tools menu, the tools menu appears. हमें कुछ steps को follow करना पड़ेगा किसी भी brush को use करने के लिए। हम सबसे पहले image window पे जाएंगे, वहाँ से menu bar पे जाके windows menu पे click करेंगे तो हमें dockable dialogs का option मिलेगा। हम उसकी तरफ जाएंगे तो क्लिक करेंगे हम ब्रशेस ऑप्शन पे और ब्रशेस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगेन हम इमेज विंडो पे जाएंगे, वहाँ से टूल्स मेन्यू पे क्लिक करेंगे और टूल्स मेन्यू ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट टू पेंट टूल्स, वहाँ से हम पेंट टूल्स पे जाएंगे, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पेंट टूल, फॉर एग्जाम्पल इरेजर। वहाँ से हम अपनी पसंद का पेंट टूल सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने इरेजर वाला टूल सेलेक्ट किया। From the brushes dialog, click the desired brush. Brushes dialog में जाके हम वहाँ से अपनी मर्जी का brush select करेंगे, for example the star shaped brush. Place the mouse pointer on the image. Image के ऊपर आएंगे और mouse pointer को वहाँ पर हम image पर रखेंगे। Click and hold the left mouse button. हम left mouse button को hold करके रखेंगे और click करके रखेंगे and drag it over the image. और image के ऊपर हम उसे ड्रैग कर देंगे। द ब्रश इफेक्ट इज अप्लाइड, तो जो हमने ब्रश सेलेक्ट किया था वो इफेक्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा। आई होप दीज स्टेप्स आर क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द 14 टाइप्स ऑफ पेंट टूल्स। यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ यू कैन ओपन द पेंट टूल्स एंड हाउ मैनी पेंट टूल्स आर देयर। यू हैव टू गो टू द मेन्यू बार, क्लिक ऑन द टूल्स मेन्यू, फ्रॉम हियर पॉइंट टू द पेंट टूल्स एंड यू विल गेट लिस्ट ऑफ paint tools here. There are total 14 paint tools if you count, and you can select any one of them. So I hope this is clear. Next we have the topic to edit a brush, how we can edit a brush. Right click the brush, a shortcut menu appears. जब भी हमें कोई ब्रश को सेलेक्ट करना है, एडिट करना है, तो हम उस ब्रश पे जाएंगे, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन होगा। सेलेक्ट द एडिट ब्रश ऑप्शन, वहाँ से आप एडिट ब्रश का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, द ब्रश एडिटर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसका नाम होगा ब्रश एडिटर। आई विल शो यू इन द पिक्चर। टू एडिट द ब्रश, क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द पॉइंटर इन द रिक्वायर्ड फील्ड्स। तो अगर आपको ब्रश को एडिट करना है तो आपको लेफ्ट माउस बटन को क्लिक और होल्ड करके रखना पड़ेगा, फिर आपको ड्रैग करना पड़ेगा पॉइंटर को रिक्वायर्ड फील्ड पे जो हमें चाहिए। नेक्स्ट आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ द ब्रश एडिटर डायलॉग बॉक्स। ब्रश एडिटर डायलॉग बॉक्स इस तरह से दिखता है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द लेयर्स। Earlier also in the previous chapter, I had shown you that layers are shown on the standard window. This is the GIMP standard window and this is the image window. On the right hand side, if you see, this is the layers part. यहाँ पे layers part हमें दिखता है। Layers का dialog box we can see here. Next, if you want to open layer, you can open it from here. Go to the window menu. यहाँ से डॉकेबल डायलॉग ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास और ऑप्शंस ओपन होंगे। यहाँ से आप लेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं लेयर। नेक्स्ट दिस इज़ दी एग्जैक्ट विंडो दैट वी गेट, जो लेयर की प्रॉपर विंडो ओपन होती है। यू हैव सो मेनी लेयर्स इन दिस, आप देख सकते हैं, एंड एट द बॉटम यू हैव डिफरेंट बटन्स। तो हर बटन का एक स्पेसिफिक यूज़ है जो हम देखेंगे। I hope these pictures are clear to everyone. Next we talk about working with layers. इसमें हम देखेंगे कि हम layers के ऊपर कैसे काम करते हैं। Layers are like sheets on an image. किसी भी image के ऊपर layers sheet की तरह काम करती है।
You can work on one part of an image without affecting the other parts with the help of layers. आप इमेज के किसी एक पार्ट पे काम करते हैं विदाउट उसके और पार्ट्स को अफेक्ट किए, और ये कब पॉसिबल है? ये लेयर्स की हेल्प से पॉसिबल होता है. नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, इसमें हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि लेयर्स कैसे काम आती है. सपोज यू वांट टू एडिट द इमेज ऑफ अ फ्लावर, यू वांट टू वर्क ऑन द पेटल्स एंड स्टैम्प ऑफ द फ्लावर. फॉर दिस यू नीड टू क्रिएट द टू लेयर्स, स्टैम्प एंड पेटल्स. हमने एक फ्लावर का एग्जांपल लिया है, हमें उसे एडिट करना है, तो हम उसके दो पार्ट्स पे काम करेंगे, एक उसके पेटल्स और दूसरा है स्टैम्प. सो फॉर दैट हमें दो लेयर्स क्रिएट करनी होंगी, एक पेटल्स के लिए और एक स्टैम्प के लिए. तो लेयर्स इस तरह काम आता है. यू कैन मैनेज द लेयर्स ऑन द लेयर्स डायलॉग. और हम ये कहाँ पे मैनेज करते हैं? लेयर्स डायलॉग के अंदर. आई होप द टॉपिक्स आर क्लियर टू एवरीवन. Go through the video once again and revise all the topics. Thank you. Stay safe and stay healthy.